Yes, dear student, in this video we discuss about exercise 4.1 question number 2. Indicate A, B and C of the following equation. देखिए इसको कैसे लिखेंगे. 2x plus 3y minus 9.35 के ऊपर बार is equal to 0. तो बेटा हो गया A is equal to 2 coefficient of x, B is equal to 3 coefficient of y and C is equal to minus 9.35 के ऊपर बार. ये हमें हो गया. ये देखिए ये हमने इसमें इंडिकेट कर दिए ए बी सी पहली इक्वेशन. इसमें देखिए दिस कैन बी रिटन एज एक्स माइनस 1/5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. तो क्या लिखेंगे, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज ए, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, बी इज इक्वल टू माइनस 1/5, सी इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस 10. ये इसके आगे इंडिकेट हो गए. ए 1 हो गया, बी हो गया, सी हो गया. इन दिस यू कैन राइट माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ए इज इक्वल टू माइनस 2, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू माइनस 6. ये ए बी सी इंडिकेट हो गए इस इक्वेशन में. एंड यू कैन राइट दिस एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 0. देखिए वेरी इजी. हमें पहले ऐसे इनको एडजस्ट करना पड़ेगा अच्छे तरीके. जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है. y अपॉन 5 को हम लिख सकते हैं 1/5 y. y ऊपर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई है, y के और 1 की मल्टीप्लाई y होती है. तो यह है हेयर. तो ये देखिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू 0. ये इंडिकेट हो गए इसके. इधर देखिए 2x माइनस 5y प्लस का हो गया, इधर आके इज इक्वल टू 0. a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 0. ऐसे इसी प्रकार इसमें a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 2. क्योंकि b y टर्म थी नहीं ना, तो इसको चलो हम एक मिनट इसको ऐसे लिखेंगे पहले. सॉरी, इसको ऐसे लिखेंगे 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 2. ऐसे तो इसको विद 2 वेरिएबल लिख लेते हैं पहले. इसी प्रकार इसको लिखेंगे 0x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. मैंने पहले की वीडियो में बताया आपको इन टू वेरिएबल हाउ वी राइट. तो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस 2. ये इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 2x इज इक्वल टू 5 ऐसे भी लिख सकते हैं. तो इसको लिखेंगे 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो इधर देखिए 2 वेरिएबल में कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू माइनस 5. तो बेटा इन ऑल पार्ट्स वी इंडिकेट द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y एंड कॉन्स्टेंट a, b एंड c इन ऑल दीज पार्ट्स. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, ये सभी पार्टों में हमने ए बी सी इंडिकेट कर दिए. इट इज इम्पोर्टेंट, प्लीज यू कंसेंट्रेट इन ऑल पार्ट्स एंड ट्राई अगेन एंड अगेन. ओके, थैंक्स.